Bismillah Rahman Rahim, starting with the name of Allah, who is the beneficent and merciful. As-salamu alaikum. I am Rahat Maqsood Allah protect you and keep you safe and sound. May Allah shower His uncountless blessing upon you ever and ever. Amin. Summa Amin. Now it's time to read Urdu. So, students, be ready and open your workbook page number 78. तालबात आज हम वर्कबुक पेज नंबर सेवेंटी एट में पैराग्राफ नवीसी में दरियाओं के नाम और पानी की अहमियत इस इसवान को जो है वो जेर बहस लाएंगे और फिर हम देखेंगे कि पैराग्राफ नवीसी में जब हम दरियाओं के नाम और पानी की अहमियत लिखते हैं तो इसको डिस्कस करने के बाद या जेर बहस लाने के बाद हम जो है इससे हमें कौन से ऐसा जो है वो हासिल होते हैं या हम जब इसको पढ़ते हैं तो इसको पढ़ने के बाद हम क्या सीखते हैं आ, अजीज तालबात इस पैराग्राफ को लिखने के बाद हम ये जान पाएंगे कि जो दरिया हैं वो अल्लाह ताला की कुदरत और अजमत का कितना बड़ा जो है वो मज़हर है और उसके अलावा कि ये दरिया जो हैं वो किस तरह वजूद में आते हैं और इनके क्या फ़वाद और अहमियत हैं और ये कि यह दरिया जो है पहाड़ी और मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों पर अपने किस तरह जो असरात हैं वो मरतब करता है अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाज़ा है और इन में से एक सबसे बड़ी नेमत जो है वो पानी है बल्कि यूँ कह लें कि पानी एक अल्लाह ताला की ऐसी नेमत है कि जिसके बगैर हम ज़िंदगी गुजारने का तस्वुर भी नहीं कर सकते क्योंकि पानी हर जानदार की जो है अहम तरीन ज़रूरत है इसके अलावा जानवरों की तरह पौधे भी पानी के बग़ैर जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकते अगर पानी ना हो तो ज़मीन से जो है वो गला जो है वो या, या अनाज जो हम उगाते हैं वो भी उगाना जो है वो नामुमकिन हो जाए बल्कि उनका सिलसिला ही गला उगने का जो सिलसिला है वो भी बिल्कुल बंद हो जाए इसके अलावा जो पानी है ये इंसानी बका के लिए बेहद ज़रूरी है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पानी के बग़ैर इंसानी ज़िंदगी का जो तसवर है वो नामुमकिन है क्योंकि तालबात हमारे जिसम के अंदर सेवेंटी परसेंट सत्तर फ़ीसद जो है वो पानी मौजूद होता है और इस पानी की बिना पर जो है वो हम अपने रोज़मर जो मामला है ज़िंदगी के वो गुजारते हैं इसके अलावा फसलों को भी एक मखसूस मकदार में पानी जो है उसकी ज़रूरत होती है इंसान और जानवर पानी पीकर जो है वो अपनी प्यास को बुझाते हैं और इंसान ना सिर्फ इससे नहाते हैं बल्कि इससे कपड़े धोते हैं और बर्तन भी साफ़ करते हैं पानी जो है वो अल्लाह ताला की एक बेश कीमत जैसे मैंने आगे बताया बल्कि बहुत बड़ी जो है वो नेमत है इसके अलावा हम ये देखते हैं कि हम ना सिर्फ इंसानों और हेवानों के लिए बल्कि पौधों की अफजाइश के लिए पौधों की नशर वनमा के लिए भी जो पानी है वो बेहद ज़रूरी है जिस तरह इंसान को ज़िंदा रहने के लिए पानी पीना पड़ता है बिल्कुल इसी तरह पौधों की अफजाइश उनकी नश नशरुमा या फिर उनकी बढ़ोती के लिए जो है वो पानी बेहद ज़रूरी है इसके अलावा अगर हम देखें कि शहरी इलाकों में रहने वाले लोग जो हैं इसकी कदर कीमत का एहसास उन्हें ज़रा कदरे कम होता है ये नहीं कि उनको नहीं होता लेकिन उनको कम होता है उसकी वजह यह है कि उनको ये फैसिलिटी उनको ये सहूलत जो है वो बासानी मैसर है जबकि अगर हम देखें दहातों की तरफ़ देखें तो वहाँ के रहने वाले रहा रहायशी जो हैं इसके साथ साथ इलाकों के रहने वाले जो रहायशी हैं अगर हम उनकी तरफ़ देखें या उनसे पूछें कि पानी की अहमियत क्या है तो फिर हमें इसकी अहमियत जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर पर जो है वो समझ में आती है और हम इसको बेहतर तौर पर ये जान पाते हैं कि ऐसे इलाके जो पानी की नमत से साफ़ पानी की नमत से महरूम हैं और हमें जो है वो ना सिर्फ साफ सुथरा पानी मैसर है बल्कि वाफर मकदार में मैसर है तो फिर हमें इसकी अहमियत का ज़्यादा बेहतर अंदाज़ में अंदाज़ा होता है और फिर साल भर में आ, ऐसे इलाके जो जहाँ पानी कम है जैसे सहराई इलाके तो वहाँ के जो रहाइश होती है वो तकरीबन पूरा साल जो है वो बारिशों के मुंतज़र रहते हैं इसलिए स्टूडेंट्स हमें अपने मुल्क की खुशहाली के लिए जो पानी है उसको बेहतरीन या बेहतर से बेहतर अंदाज़ में जो है इस्तेमाल करना चाहिए हमें पानी को जो है वो ज़ाया नहीं करना चाहिए हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि हम पानी को जितना भी बेहतर अंदाज़ में जो है इस इस्तेमाल करने के बाद उसको उसी बेहतर अंदाज़ में महफूज भी कर सकें क्योंकि अगर हम पानी ज़ाया करेंगे तो फिर हमारी लिए आने वाला जो वक़्त है वो मुश्किल हो जाएगा इसलिए हमें पानी को ज़ाया नहीं करना चाहिए और इसकी हिफाजत जो है वो करनी चाहिए यही हमारे मुल्क की जो खुशहाली है उसके लिए भी पानी का होना बेहद ज़रूरी है क्योंकि मुल्क के अंदर पानी जितना मकदार में जमा होगा ना सिर्फ इससे हम अपने मुल्क की तरक्की के लिए बिजली को बेहतर अंदाज़ में पैदा कर सकते हैं बल्कि जब मुल्क में बिजली होगी तो मुल्क का जो निज़ाम है सिस्टम है वो बेहतर अंदाज में चलता जाएगा और लोगों को रोज़गार जो है वो मैसर आता रहेगा इस तरह मुल्क भी जो है हमारा खुशहाल होगा तो स्टूडेंट्स आज आप इस पैराग्राफ को जो है वो वर्कबुक पेज नंबर सेवेंटी एट पर तहरीर करेंगे अगर आपको सबसे पहले आप क्या करेंगे दरियाओं के नाम तहरीर करेंगे उसके बाद पानी की अहमियत हैडिंग देने के बाद आप इसको लिखेंगे अगर आपको किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूज़न कोई इबहम है तो आप मुझसे सवाल करें मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करूंगी